तहरीके इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। रुकावटों के बावजूद कारकुन काहना मवेशी मंडी में जलसागा पहुंचना शुरू हो गए। जलसागा में तहाल स्टेज ना बन सका और ना ही साउंड सिस्टम लग सका। राजा बशारत का जलसागा का दौरा, कहा इंशाल्लाह आज भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला के लिए 3 खसूसी कंटेनर तैयार। अली अमीन गंडापुर काफले की क्यादत करेंगे। रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी काफले के हमरा होगी। तहरीक इंसाफ को जलसा रात 8 बजे तक खत्म करना होगा। रियासत मुखालिफ नारों और तकरीर की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितम्बर की तकरीर पर माफी मांगना होगी। 43 निकात और मुश्तमिल लाहौर के जिला इंतजामिया ने NOC जारी कर दिया। गुलबर्ग में PTI की कॉर्नर मीटिंग पर रात गए पुलिस का धावा। कारकुनान से झड़पे, 20 से जायद कारकुन धर लिए गए। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बरपा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल, कहा किसी सियासी जमात को जलसे से नहीं रोका। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, 14 अफराद शहीद, 59 जख्मी। 14 में हिजबुल्ला के कमांडर इब्राहिम अकील भी शामिल। हिजबुल्ला ने शहादत की तस्दीक कर दी, कहा इब्राहिम अकील पर मकबूजा बैतुल मक़द्दस जाते हुए इसराइल ने फायरिंग की जिससे वो शहीद हो गए। अमरीका ने इब्राहिम अकील के सर की कीमत $70 लाख मुकर्रर की थी। लबनान पर इसराइली तैयारों की बमबारी, हिजबुल्ला के 20 अरकान शहीद। बूरेवाला में पुलिस का मनीषियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। खवातीन का पुलिस पार्टी पर पथराव, सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुसल्ला अफराद ने SHO और ASI समेत नफरी को यरकमान बना लिया। पुलिस ने खवातीन समेत 36 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान में पुलिस की कच्चे में कार्रवाई, 5 रोज कबल इकबा होने वाले मुखबी माशूक को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद इकबाकार मुखबी को छोड़कर फरार हो गए।